नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। प्राण निकल जाने से मृत्यु क्यों हो जाती है? प्राण क्या है? प्राण, जिसे हम जीवन की डोर भी कहते हैं, उसके विषय में प्राचीन ऋषि महर्षियों से लेकर आधुनिक युग के दिग्गज डॉक्टरों तक ने जानने का अथक प्रयास किया है कि यह चीज क्या है जिसे हम क्या कोई भी आज तक नहीं देख पाया और ना ही देख पाएगा। किंतु विद्वानों ने इसके विषय में अपने अपने मत जरूर दिए हैं, किंतु सही निष्कर्ष आज तक कोई नहीं निकाल पाया। कोई कहता है कि प्राण हवा है और हवा को कोई नहीं देख पाता, इसलिए किसी के प्राण निकलते हैं तो हम भी नहीं देख पाते। मेरा प्रश्न है कि यदि प्राण वायु है तो हम प्रतिदिन वायु सांसों के माध्यम से खींचते और निकालते हैं। वायु को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसी के साथ प्राण बाहर क्यों नहीं निकल जाता? कोई कहता है कि प्राण का निवास स्थान तृतीय नेत्र वाला स्थान है। तृतीय नेत्र वाला स्थान संतजन दोनों भवों के मध्य वाले भाग को कहते हैं। यदि उस स्थान पर प्राण का निवास होता है तो शरीर का खून निकल जाने से मृत्यु क्यों हो जाती है? किसी की मृत्यु हाथ कटने से हो जाती है तो कोई पेट में चोट लगने से मर जाता है। अगर प्राण का कोई निश्चित एक स्थान कहा जाए तो यह कोरी मूर्खता है, क्योंकि यही सत्य है कि प्राण का निवास स्थान एक सीमित दायरे में नहीं है बल्कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। शरीर का प्रत्येक अंग प्राण है। मुंह प्राण है, नाक प्राण है, जीभ प्राण है और मुंह में बनने वाली लार भी प्राण है। हाथ पैर प्राण है। जिस प्रकार चलते हुए इंजन का कोई भी एक पुर्जा खराब हो जाए तो इंजन बंद हो जाता है, अर्थात बेकार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाने से प्राण शरीर को त्याग देता है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।